समाज सेवी संस्थाएं जब प्रशासन के साथ सरकार के साथ मिलकर काम करती है तो उसके परिणाम कितने सकारात्मक होते हैं। कोरोना में फरीदाबाद इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है, और चाहे कभी भी जरूरत पड़ती है तो तमाम प्रशासन के सहयोग से समाज सेवी संस्थाएं आगे आकर काम करती है। और आज देखिए फरीदाबाद जिस समय ब्लड की कमी से जूझ रहा है तो उस वक्त प्रशासन और समाज सेवी संस्थाएं एक मुट्ठी बनकर काम कर रही हैं। और आज मेगा ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया है, देखिए स्टेट ऑफिसर हमारे साथ HSIITC विकास जी मौजूद है, रोटरी क्लब के DG अनूप मित्तल जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रूबरू कराना चाहूंगी अनूप मित्तल जी से। सर, पल्स पोलियो अभियान में लैंडमार्क रहा रोटरी क्लब, और ब्लड डोनेशन की प्रथा भी जो की वो रोटरी क्लब ने शुरू की, तो क्या एक टारगेट लेकर चलते हैं? और हर बार जैसे एक आप लोगों का प्रोजेक्ट होता है तो इस बार क्या ब्लड डोनेशन की कमी से शहर जूझ रहा है, तो क्या कुछ नया आप लेकर आएंगे इस दिशा में? देखिए, ब्लड ऐसा है जो समाज की बहुत बड़ी एक ज़रूरत है और कमी भी रहती है हर समय, और रोटरी का हर समय ये रहा है कि ब्लड कलेक्शन पे बहुत जोर रहता है हर साल। हमारे 3 ब्लड बैंक हैं दिल्ली NCR में, फरीदाबाद में भी बहुत अच्छा ब्लड बैंक चल रहा है। हमने इस बार उसमें एक बस पूरी दी है, ब्लड डोनेशन बस है जिसमें 4 बेड का है, और करीब करीब 1 करोड़ रुपये की बस है वॉल्वो की हमने दी है। बस कहीं भी जाके कलेक्ट कर सकती है। हमने इसको प्रोत्साहन करने के लिए प्रशासन के साथ तो हमारा एसोसिएशन है ही है। मैं धन्यवाद करता हूँ विकास जी का और HSIITC का कि उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट किया। इस समय रोटरी का प्रशासन के साथ हर समय काम करने का एक उद्देश्य रहा, इसीलिए शायद हम पोलियो को भी खत्म कर पाए। अभी 1 महीने पहले ही हमारे रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है शेखर मेहता इंडिया से, उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में 45 मिनट की मीटिंग हुई। ये दर्शाता है कि हम प्रशासन के साथ कितने क्लोज हैं और उसके साथ हाथ से हाथ मिला के काम करते हैं। ब्लड डोनेशन के लिए हमने 75,000 यूनिट का हमारा टारगेट है इस साल का, और फरीदाबाद में मैं बल्कि अभी तारीफ ही कर रहा था कि हमारे फरीदाबाद में जितने भी क्लब्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, बहुत ही मोटिवेटेड हैं और बहुत उत्साह के साथ कर रहे हैं। आज का भी ये जो ब्लड कैंप है, मुझे लगता है 500-600 यूनिट यहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय काम हमारे सारे क्लब के प्रेसिडेंट्स का। जी, और विजय जिंदल जी डिप्टी गवर्नर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप उद्योगपति भी हैं और रोटेरियन भी हैं, और सबसे ज्यादा जो मैन पावर आप इंडस्ट्री में काम करती है, तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग ब्लड डोनेट करने के लिए मोटिवेट हो, उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? बहुत पहले ना लोग एक वो चलते थे ब्लड दोगे तो शरीर में वीकनेस आएगी, तो ये चीज़ अब लोगों में ख़त्म हो चुकी, बल्कि ये ब्लड डोनेशन के अंदर अब जब भी हम अपनी इंडस्ट्रियों में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो 20 से ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होता है, तो वो हमारे स्टाफ के वर्कर्स अपने ब्लड देते हैं, इसका मतलब वो मोटिवेटेड है। तो इंडस्ट्री वाले हर अपने अपने यूनिटों में हमारे ब्लड कैंप लगते हैं ना, तो उसका बहुत बेनिफिट मिल रहा है। अब वहाँ अच्छे ब्लड ख़त्म हो रहे हैं। आज जैसे विकास जी ने यहाँ पे जो ये किया, IMT में हमारी 400 इंडस्ट्रीज काम कर रही है, तो आज ये इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ के HSIITC का सपोर्ट, तो IMT एक बेहतर रूप में इन्होंने क्रिएट किया है। IMT का एक एग्जांपल है फरीदाबाद के लिए, तो आज देखो ना एक 500-600 यूनिट का कैंप यहाँ हो रहा है, और पहले भी होते रहे हैं कैंप, ब्लड डोनेशन के कैंप। आज रोटरी हमारे साथ है, कल और भी है, तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन रोटरी समाज सब मिलकर करें, इंडस्ट्री वाले पूरे साथ हैं, पर हर हालत में ये पूरे काम करने में इंडस्ट्री जोड़ रही है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँ कि इस बार रोटरी ने मोटिवेट करने के लिए सबने मिलकर 1 देसी किलो का घी का डब्बा भी साथ में जो भी डोनेट कर रहा है उसको दे रहे हैं। जी, और बिल्कुल देखिए विकास चौधरी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी कम समाज सेवी के तौर पर छवि ज्यादा शहर में चर्चा में रहती है। विकास जी, समाज सेवा की बात होती है तो आपका प्रयास होता है कि सबको साथ लेकर कुछ समाज को दे, ब्लड डोनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त, तो क्योंकि लोगों का जोर जो है वो वैक्सीनेशन कैंप्स को लेकर है, तो अब HSIITC के प्रशासनिक अधिकारी आप हैं, तो उसके तौर पर आप क्या इनिशिएटिव लेंगे प्रशासनिक तौर पर इस कमी को खत्म करने के लिए? देखिए, जैसे ही अभी कोविड का पीरियड खत्म हुआ था तो हमने यहाँ पे ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें मैंने टारगेट सेट किया था कि मैं IMT में 10,000 पेड़ लगाऊंगा, और उसके 2 दिन के बाद ही मैंने ये दिमाग सेट अपना ये माइंड सेट कर दिया था कि अब IMT से मैं 10,000 यूनिट ब्लड इकट्ठी करके मैं रोटरी को दूंगा। ये हमारा पहला मौका है, अब मैं हर हफ्ते यहाँ पे एक कैंप जरूर लगाऊंगा, और हर हफ्ते आप ये देखेंगे कि एटलीस्ट 500 यूनिट हम इकट्ठी करेंगे, और अगले आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हम 10,000 यूनिट
IMT से इकट्ठी करके हम अनूप जी को देंगे। तो देखिए, सराहनीय प्रयास फरीदाबाद से रक्त की कमी को दूर करने के लिए शुरू हो चुका है और आप भी अपने इस यज्ञ में आहुति दे सकते हैं। तो इसलिए पंजाब केसरी टीवी की टीम भी यही अपील करती है कि घरों से निकलें, फरीदाबाद के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए जरूर रक्तदान करें, क्योंकि एक यूनिट ब्लड से 4 लोगों का जीवन बच सकता है। तो रक्तदान बहुत जरूरी है, किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो घर से निकलें और रक्तदान करें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।